नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्ष और आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज के वाले वीडियो एकदम खास होने वाला है। और आप सभी जानते हो कि ड्रीम इलेवन आज के दिन में कितना पॉपुलर हो गया है, जहां पर हमें आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर ही देखने को मिल रहा है ड्रीम इलेवन। यानी कि पिछले बार हमें वीवो देखने को मिला था और वीवो की अब के बार इतनी सेल नहीं हुई इंडिया के अंदर। और यहाँ पर वीवो सिर्फ 130 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई को ये मंजूर नहीं था और इसी वजह से हमें बिडिंग देखने को मिली। यानी कि बिड किया काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर, जिसके अंदर हमें अनअकैडमी, पतंजलि जैसी इंडियन कंपनीज भी देखने को मिली। और यहाँ पर जो बिडिंग के अंदर सबसे बड़ी अमाउंट दी है वो दी है ड्रीम इलेवन ने, और वो दी है 240 करोड़ और इसी वजह से हमें टाइटल स्पॉन्सर देखने को मिल रहा है ड्रीम इलेवन। लेकिन जो टॉपिक है आज का वो ये है कि क्या ड्रीम इलेवन लीगल है इंडिया के अंदर या फिर नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ड्रीम इलेवन एक फैंटेसी गेम है, यानी कि फैंटेसी क्रिकेट, फैंटेसी फुटबॉल, फैंटेसी कबड्डी, यानी कि तरह तरह के हमें फैंटेसी गेम्स देखने को मिलते हैं। और ये काम ऐसे करता है कि जो रियल गेम होता है, अगर हम बात करते हैं क्रिकेट के एक मैच की एग्जाम्पल से, यानी कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और आपको अपनी एक टीम लगानी है, दोनों टीम्स में से अपने हिसाब से 11 प्लेयर उठा करके, और यहाँ पर हर टीम का जो प्लेयर जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पॉइंट्स हैं, यानी कि कैच के अलग पॉइंट है, छक्के के अलग पॉइंट है, एक रन के अलग पॉइंट है, विकेट के अलग पॉइंट है, इसी हिसाब से पॉइंट्स हैं। और वो पॉइंट्स हमें फ्लक्चुएट देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर एक रन बनाया तो एक पॉइंट, दो रन बनाया तो दो पॉइंट, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। और ठीक है, ऐसा विकेट में 25-30 पॉइंट्स का ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो कैप्टन है उसके हमें डबल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, और बॉयज़ कैप्टन के हमें डेढ़ गुना या फिर कहा जाए तो 1.5 टाइम्स ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। और उस हिसाब से हमारी जो टीम होती है वो रैंक करती है, यानी कि पॉइंट्स के हिसाब से जितने ज़्यादा पॉइंट उतनी हमारी रैंक ऊपर जाएगी। और जीएल के जो मैचेस होते हैं ग्रैंड लीग के, उसके अंदर रैंक के हिसाब से हमें पैसे देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आपकी पहली रैंक आई तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी विनिंग होती है वो देखने को मिलती है। और साथ ही में जो विनिंग होती है उसकी फुल अमाउंट हमें मिलती नहीं है, यानी कि जो विनिंग है, मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ कमाया है तो उसके 30% टैक्स कट जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टैक्स की, तो 10,000 से ऊपर की अमाउंट पर 30% का हमें टैक्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के सामने आती है वो ये है कि ये लीगल है या फिर नहीं। तो इंडिया के हिसाब से अगर हम मानते हैं, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ ऐसी है कि ऐसा गेम जो लक के हिसाब से काम करता है या फिर कहा जाए तो जिसमें लक के पैसे होते हैं उसे माना जाता है इलीगल, और जहां पर स्किल्स काम करती है उसे माना जाता है लीगल। और ड्रीम इलेवन एक ऐसा गेम है जिसके अंदर हमें स्किल्स देखने को मिलती है। हालांकि ये गूगल की कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ के अंदर कुछ गैम्बलिंग टाइप में, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पर थोड़ा बहुत लक का भी काम होता है। यानी कि गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी मैच ना होने की वजह से हमें ये प्ले स्टोर के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इंडिया के अंदर ये कम्प्लीटली लीगल है और इसी वजह से हमें ये टाइटल स्पॉन्सर भी देखने को मिलता है। और टाइटल स्पॉन्सर होने के बाद से ही काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। पहले काफ़ी लोग समझते थे कि ये एक इलीगल प्रोसेस है, यानी कि इलीगल तरीके से फैंटेसी टीम बनती है, एक तरीके से ये सट्टा है, गैम्बलिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी स्किल्स काम करती है, हालांकि लक भी काम करता है लेकिन स्किल्स ज़्यादा काम करती है। अगर आपको पता है, आपके पास इतनी स्किल्स है, आप बता सकते हो कि आज के दिन में ये प्लेयर चल सकता है इस पिच के हिसाब से, इस वेदर के हिसाब से, इस बॉलर के सामने, इस ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड छोटा है बड़ा है उस हिसाब से, जो जो हमें अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलते हैं उस हिसाब से कौन सा प्लेयर आज परफॉर्म करेगा, सबसे ज़्यादा रन किसके होंगे, सबसे ज़्यादा विकेट किसकी होगी, कैसा क्या कुछ मैच रहेगा, उस हिसाब से आप अपने स्किल के बेसिस पर मैच लगा सकते हो। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, और आप सभी को समझ में आया होगा कि इंडिया के अंदर किस हिसाब से ये लीगल है। हालांकि कुछ एक ऐसे स्टेट्स है जिसके अंदर हमें ये इलीगल देखने को मिलता है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।